हाँ जी फ्रेंड्स, क्या हालचाल? वेलकम विद कृतिका सर। सो गाइस, चबूतरा मैडम का एक और ब्लॉग आया है जिस ब्लॉग के बारे में हम बात करने वाले हैं। लेकिन मैं पहले ही बताती हूँ कि बातें जो होंगी वो अंधभक्तों को पसंद आएगी नहीं, क्योंकि जिस तरह से इसके ब्लॉग में जो चीज़ें नज़र आ रही है ना, जनाब के लैंग्वेज में जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, उन चीज़ों के बारे में अगर हम बात नहीं करेंगे ना तो हमारा माथा हाइपर हो जाएगा। इस तरह की चीज़ें ये दिखा रही है, तो चलिए उसी चीज़ों के बारे में बात करते हैं और वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर दिया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और वीडियो अगर पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और कमेंट करके भी बताइएगा कि मैंने जो कहा वो सही कहा या गलत। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। इस चबूतरा मैडम की हरकतों का मुझे समझ नहीं आता, मतलब क्या एग्जांपल सेट करना चाह रही हो तुम क्या दिखाना चाह रही हो व्लॉग में कि शादी हो जाने के बाद ससुराल में मत रहिए, मायके आकर के धरना दे दीजिए, या फिर मायके ससुराल, एक पैर इधर एक पैर उधर, ये एग्जांपल सेट करना चाहती हो, या ये एग्जांपल सेट करना चाहती हो कि शादी हो गया उसके बाद भैया सिर्फ और सिर्फ अपने हस्बैंड से मतलब रखना है, हस्बैंड के इशारे पे नाचना है, या फिर हस्बैंड को पैम्परिंग करना है जो कि इसकी प्यारी भाभी जान करती है, और हस्बैंड को ही लेकर के रहना है, फैमिली परिवार के से कोई मतलब नहीं है, सास लोग से कोई मतलब नहीं है, और भी फैमिली मेम्बर से मतलब नहीं है, ये एग्जांपल सेट करना चाहती हो, या फिर ये बताना चाह रही हो कि शादी हो जाने के बाद ससुराल में कोई काम नहीं करना है, ससुराल में कुछ नहीं करना, ना खाना ना पीना, कुछ नहीं करना, भले क्या करना है, दूसरे के घर पे जाकर के दावत खाते रहना है, चाटते रहना है दूसरे के घर में चटोरी की जैसा, कि एक पैर फूफी के घर एक पैर खाला के घर, एक पैर फूफी के घर एक पैर खाला के घर, मतलब जंप करते रहना है मेढक के जैसा, इधर कभी उधर कभी इधर कभी उधर, जा करके दूसरे के घर में खाली चाटते रहना, खुद कुछ नहीं करना। हाँ, मायके आओ तो भैया मैं तो फिर एक फूड ब्लॉगर ही बन जाऊंगी, जैसे ही मायके आऊंगी तो मैं फूड ब्लॉगर बन कर करके किचन में सारी रेसिपी नई नई बनाते रहूंगी, तब मुझे सब कुछ आता है, तब मुझे खाना पीना हेन तेन फलाना ढिमकाना सब कुछ करने आता है। लेकिन जैसे ही ससुराल जाऊंगी तब तो भैया मुझे कुछ नहीं आता, तब तो मैं, अगर मान लो कि कढ़ाई पर अगर हमको ये भी डालना है ना, प्याज भी डालना है, तो वो भी डालने से पहले मेरे हाथ थर 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 कांपेंगे, मुझे प्याज डालना भी नहीं आता क्योंकि मैं ससुराल में हूँ ना, ससुराल में हूँ तो इसी वजह से मुझे खाना बनाने नहीं आता, लेकिन मायके में रहूँगी तब तो पक्का फूड ब्लॉगर बनना है। तो ये एग्जांपल सेट करने की कोशिश करी हो, क्या एग्जांपल सेट करने की कोशिश करी हो, क्या दिखाना चाह रही हो, क्या लोगों को बताना चाह रही हो कि हाँ ऐसे ऐसे इंसान को करना चाहिए, ये क्या तुम दिखाना चाह रही हो, ये ज़रूर कमेंट करके बताना साहिबा मैडम। जिस तरह से ये साहिबा मैडम टोटली जंक पे जंक खाए जा रही है, जब ये जानती है कि इसे PCOD की प्रॉब्लम है, थायराइड है, तो फिर PCOD की प्रॉब्लम और थायराइड वाले प्रॉब्लम वाले जो पर्सन होते हैं उन्हें इतना जंक ऑयली तेलम तेल पेलम पेल वाला खाना खाना नहीं होता, क्योंकि इससे जाहिर सी बात है कि आपके शरीर का फैट बढ़ेगा, और जितना ज़्यादा फैट बढ़ेगा उतना ज़्यादा आपको प्रॉब्लम होगा, जैसे ही फैट रिड्यूस होगा उसी हिसाब से आपका PCOD और थायराइड दोनों रिड्यूस होगा। लेकिन ये मैडम क्या कर रही है, ये तो अपने फैट बढ़ाने की एकदम टारगेट में लग गई है कि हाँ भैया मुझे तो एकदम जंक ही खाना है, एकदम बाहर का खाना खाना है, जंक खाना है, ऑयली खाना है, ताकि मेरी और ज़्यादा फैट बढ़ जाए, उसके बाद मुझे सब और गुब्बारा गुब्बारा करें, और जब लोग मुझे गुब्बारा कहेंगे बोलेंगे तो मैं बस फटाक से आ जाऊँगी एक अपना लाइव सेशन लेकर के कि मी गाइस फ्रेंड्स लोग मेरी ना बॉडी शेमिंग करते हैं, फ्रेंड्स मैं खाती हूँ तो अपना कमा करके खाती हूँ, दूसरे का बाप का थोड़ी खाती हूँ, फ्रेंड्स क्यों मेरी बॉडी के ऊपर ऐसे बोलते हैं, बॉडी शेमिंग करते हैं, मैं तो अब लोगों के ऊपर कंप्लेन करूँगी, इन ट्रोलर्स को छोड़ूंगी नहीं। हरकतें ही करेगी ये खुद, इसे करना खुद है, खाना खुद है, और जब हम उसमें अपना रिव्यू देंगे, हम अपना ओपिनियन रखेंगे, तो आ जाएगी ले दे के हम पर चढ़ जाएगी कि हमारे मेरी बॉडी शेमिंग करती है, ऐसे करती है वैसे करती है, तो तुम तो खुद उस चीज़ में हो ना, तुम खुद रिज़ा की बॉडी शेमिंग अभी कुछ टाइम पहले तक कर रही थी कि रिज़ा इतने मोमोज नहीं खाने चाहिए, इससे हमें क्या सीख मिलती है, तो जब तुम दूसरे के बॉडी शेमिंग करते हो तो उस इंसान को कितना बुरा लगता होगा, वही चीज़ तुम खुद भी अपना के देख लो ना, कि मैं दूसरों की जब करूँगी तो उसे बुरा लगता है ना, उसी तरह लोग जब तुम्हारे बारे में करते तो तुम्हें भी बुरा लगता है, तो तुम ऐसा करती ही क्यों, ऐसा काम करना ही क्यों जिससे मुझे तकलीफ़ हो, जिससे लोग मेरे बारे में बात करें, वैसा काम करना ही नहीं चाहिए, लेकिन तुम लोग तो आदत से मजबूर हो, सुनोगी तो नहीं, करना वही है जो तुम्हें कंटेंट के लिए दिखाना होता है, जो तुम सोच समझ के रखते हो कि आज मुझे कंटेंट में ये दिखाना है, भले इसके लिए ट्रोलिंग हो, क्या हो, नहीं हो, फलाना हो ढिमकाना हो, फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कंटेंट में यही दिखाना, तो भैया वही दिखाएंगे। इसकी हरकतें देखिए, मतलब कुछ करे कोई और उसके बाद सारा टारगेट ले जाएगी ये, किचन में खाना वाना बन रहा है, वहाँ पर
दाल चढ़ाया किसी और ने, दाल चढ़ाया वो नाज़िया खाला ने जो इसके घर पे काम करती, शायद नाज़िया ही नाम है उनका, तो वो दाल वगैरह धो करके चढ़ाई है वो। ये जो बना रही थी मटन के साथ में क्याची बना रही थी, तो वो सब कुछ बनाया कोई किसी और ने, लास्ट में इसने खाली छोलनी चला दी, तो पूरा क्रेडिट आ गया कि ओ माई गॉड साहिबा मैडम ने इतनी बड़ी रेसिपी बनाई है, इतना मेहनत किया है, ये किया है, वो किया, जबकि प्याज डालने में इसके हाथ काँप रहे थे, इसे एक प्याज तक डाला नहीं जा रहा था, उसमें इसके हाथ काँपने लग गए थे। लेकिन हाँ, क्रेडिट लेना है तो बस लास्ट में एक ठो छोलनी पकड़ लो, हल्का सा छोलनी से चला दो और ब्लॉग शूट कर लो कि भैया पूरा रेसिपी तो साहिबा मैडम ने बनाया है। उसके बाद में खुद इसे घर पर, घर का खाना तो खाना ही नहीं है, जब न तब इसके घर में दावत, उसके घर में दावत, फूफी के घर में दावत, तो खाला के घर में दावत, उसके पास जाकर के खाला से पूछते रहना, खाला क्या बनाया, खाला खाला क्या बनाया, खाला क्या बनाया खाने में, तो ऐसे दलिद्र के जैसा करती, जैसे इसे कभी जीवन में खाना खाया ही नहीं, कभी इसे खाने मिला ही नहीं है कोई भी खाना, जो कि खाना देखा नहीं बस उसके ऊपर टूट पड़ी। इतना अपने मतलब इतना इतना कितना ठूसोगी यार, कितना ज़्यादा अपने शरीर को के अंदर ठूसोगी, ज़रा तो शरीर को रहमत दो, ज़रा तो उसे ये दो कि हाँ भैया सब्र कर लो, सब्र कर लो, ज़रा सा उसे भी आराम दो, लेकिन ना बस ठूसते जाओ, यही इसका काम है। उसके बाद आती है बात पैम्परिंग की, तुम अपनी भाभी से सीख करके आई हो या भाभी से कंपटीशन लगा रही हो, ये दोनों चीज़ों में कंफ्यूज हूँ। जिस तरह से वो 24 घंटे जनाब को बस चाटते रहती है, सिर्फ जनाब जनाब जनाब, मेरा गुरूर मेरा गुरूर, मेरा मैन चाइल्ड मेरा जनाब करते रहती है, उसी तरह से तुम भी आजकल अपना फनी के आगे पीछे नाच रही हो, मेरा फनी हो, मेरा फनी हो, मेरा गुटका किंग हो, मेरा नल्ला, मतलब 24 घंटे तुम भी उसे पैम्परिंग करने के ऊपर लगी हुई रहती है, मुझे ये समझ नहीं आता। हाँ वो करती है, वो क्या बोलता है मैडम साहिबा करती है, दीपिका मैडम करती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है अपने हस्बैंड से, उसका हस्बैंड देखने में थोड़ा हैंडसम टाइप लगता भी है, ताकि उस वो ऑब्सेस्ड रहती है कि कहीं कोई दूसरा इसको पटा ना ले। लेकिन तुम्हारा फनी तो गुटका किंग, उसका तो दांत तो ढंग से मतलब साफ करता नहीं है, जब ना तब देखो तो उसके दांत में गुटका ही घुसा हुआ रहता है, वैसा इंसान के पीछे कोई पागल नहीं रहेगा जो तुम उसके पीछे इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड रहती हो, थोड़ी उसको कोई और पटा लेगा, जो तुम उसको इतना पैम्परिंग करने के पीछे अब कंपटीशन लड़ा रही हो या भाभी से सीख करके आई हो कि चलो कंपटीशन लड़ा लेते, देखते हैं दोनों में से कौन ज़्यादा पैम्परिंग वाइफ साबित होगी, या कौन ज़्यादा पैम्परिंग हस्बैंड साबित होगा, कौन नल्ला निकम्मा हस्बैंड साबित होगा, एकदम टारगेट फिक्स करके रखी हो कि ऐसे ऐसे भाभी से कंपटीशन करना है भैया, कि अपने अपने ब्लॉग में दिखाएंगे प्रॉपर हस्बैंड कौन है, प्रॉपर हस्बैंड वाला ब्लॉग एक लेकर के आएंगे, भाभी आप अपना दिखाना मैं अपना दिखाऊंगी, देखती हूँ कौन जीतेगा, ये सब कंपटीशन भी चल रहा है इनके बीच में, मुझे तो यही लगता है। खाने का इसका कोई टाइम टेबल नहीं है, दोपहर के समय में शाम का खाना, शाम के समय में दोपहर का खाना, जो इवनिंग स्नैक्स होता है समोसा जो शाम को खाने का, वो 2 बजे रात को खाती है, जो 2 बजे रात को खाने वाला तो कोई खाना ही नहीं है कि 2 बजे रात को इंसान कोई खाना खाएगा, लेकिन जाहिर सी बात है कि ना सोने का ना खाने का किसी चीज़ का टाइम टेबल है नहीं, इन लोग के पास में कोई शेड्यूल नहीं है। 2 बजे रात को उठ करके, 2 बजे रात को इसको याद आया कि किचन बिखरा पड़ा हुआ, तो हम जा रहे हैं किचन सरियाने के लिए, वरना सुबह सुबह अम्मा आएगी तो गाली खाना पड़ेगा, मतलब हद हो गया। क्यों, उससे पहले तुमको समझ में नहीं आया कि हाँ किचन बिखरा पड़ा है, जब तुम किचन में बना रही थी पूरा रेसिपी, जब तुमने ही बनाया, पूरा क्रेडिट तुमने लिया, तो एक ही बार बना करके उसके बाद लगे हाथ किचन साफ करके निकलना था ना बाहर, लेकिन ना इसे तो सिर्फ व्लॉग शूट करना रहता है, तो व्लॉग शूट करने के लिए किचन में गई, अब ये भी दिखाना है कि मैं कितनी आदर्शवादी बहू हूँ, फरिश्ता बहू का टैग इसको भी चाहिए, तो चलो भैया हम किचन साफ कर देते हैं अम्मा के लिए, अम्मा हमको फरिश्ता बहू साबित करने में बहुत मेरा हेल्प करेगी, लोगों के नज़र में हम और थोड़ा महान बन जाएंगे, मतलब हद हो गया। टाइम टेबल ना खाने का, ना सोने का, ना उठने का, ना बैठने का, किसी चीज़ का कोई टाइम टेबल, कोई शेड्यूल नहीं है। यही है अपने व्लॉग के थ्रू लोगों को सिखा रही है, बता रही है कि हाँ आप लोग भी ऐसे ही करो, 2 बजे सो रात तक जगे रहना, दोपहर का खाना शाम को खा लेना, शाम वाला खाना सुबह में खाना, मतलब हद हो गया भैया। वेल गाइस, आज के लिए बस इतना ही, अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पे बने रहिए, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और इब्राहिम फैमिली से जुड़ी जानकारी पाने के लिए मेरे चैनल पे ज़रूर रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।